वो देखो गाड़ियां भी रुक गई इस चक्कर में। रोक दो रोक दो रोक दो भाई उसको, वो ऐसे मत टच करना। रुक जाओ भाई, ओ बहन पर भैया, ओ बड़े भाई, बड़े भाई, बड़े भाई, बड़े भाई, अरे भैया एक जन हाथ से पकड़ लो, हाथ से पकड़ लो एक जन, रुक जा हाथ से उधर पकड़ो, मैं टांग पकड़ूंगा। अब तेरे बिना यहाँ मेरी सांसें जैसे बिना निंदिया की रातें। तो यार अभी अपन आए थे बैरागढ़ और मल्टी लेवल पार्किंग में फिलहाल जो है मैं ऊपर ऊपर चढ़ रहा हूँ, फोर्थ फ्लोर पे खड़ी है, 4A यही है भाई, आवाज आ गई बिकॉज मैंने नहीं लगाई थी, पार्किंग वाले भैया को दे दी थी, उनने ही लगा दी थी। मम्मा मैं और एक मम्मा की फ्रेंड हम लोग यहाँ आए थे थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए बिकॉज मेरी कजन सिस्टर की भी वेडिंग है, काफी सारी वेडिंग्स चल रही गई जिस समय, मतलब हाल ही में जो है भैया की शादी से लौट के आए थे और अब जो है भाई हमारे घर की कुछ शादियां होने वाली है और भी घर में मैंने देखा भाई 3-4 कार्ड्स पड़े हैं, तो पता है पूरा शादी का फेस्टिवल माहौल चल रहा है। चलो कोई ना, इतनी ऊंची बिल्डिंग बना रखी है और लिफ्ट की बैंड बजी पड़ी है, सोचो भाई समझ नहीं आया मुझे भाई, चौथे फ्लोर पे गाड़ी तो लगवा दी पर लिफ्ट ही क्यों खराब है भाई, हालांकि इतनी पुरानी बिल्डिंग भी नहीं है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई मेरे हिसाब से, नई नई बिल्डिंग्स के अंदर बना रहे हो, अब सीढ़ियों से आना पड़ा पता है, 4 मंजिल चढ़ के आने में हालत खराब हो गई। वो तो ये अच्छा है कि जब मैं आया था यहाँ पे तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट कर ली थी, मैंने कहा भैया 4th मंजिल पे गाड़ी लगाने जाऊंगा फिर नीचे आऊंगा, प्लीज ये चाबी पकड़ो और आप ही लगाओ, तो वो भाई लगाया। आते टाइम भी मैं उनको ये तो नहीं बोल सकता था कि भैया अब मेरी गाड़ी भी उतार के नीचे ले आओ, मुझे अकेले को थोड़ी ना भाई वो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा यहाँ पे, मतलब सभी लोग खुद ही खुद लगा रहे थे, पर ये रहा कि भाई चलो एटलीस्ट एक टाइम का चक्कर तो अपना बच गया, इसलिए मैं मम्मा लोग को यहाँ लेके भी नहीं आया, मैंने कहा मैं गाड़ी निकाल के लाता हूँ आप लोग मेन रोड पर ही खड़े रहो। ओके भाई रोक के चलो, यहाँ देख रहा हूँ कितना खतरनाक रश रहता है, यहीं कहीं है माता राम, दिख गई हो रही, थोड़ा इसमें आ जाएगा सामान, तो देखो यहाँ रख लिया गैस स्टोव, बाकी पीछे रख लिया, रैम्बो होती ना तो इतना सामान भी नहीं आता, इसलिए हम लोग क्रेटा से आ गए थे। अब तो कुछ नहीं, नहीं चले गुड मॉर्निंग। आज भाई देखो अपन इसको निकालेंगे बाहर और ये देखो इसकी हालत देखो, थोड़े दिन अपन बाहर क्या रहे, धूली धूल में हो गई, पर कोई ना इसको साफ कर देंगे अपन, फिलहाल इसको मुझे थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा क्योंकि जगह ही नहीं है, इसको निकालूंगा कहाँ से। चेहरी की हालत देख रहे हो मेरे भाई, मतलब अभी शादी में गए थे अपन, इतनी ज्यादा धूप थी, दिन भर घूमा उठा, मतलब नींद नहीं ली प्रॉपर, समझ रहे हो धूप में घूमते रहे, पसीना धूल मिट्टी सब लग गया, तो आज मेरा मन कर रहा है कि थोड़ा ना सेल्फ केयर करते हैं अपन, तो संदीप भाई को मैंने फोन कर दिया, अपनी अपॉइंटमेंट वहाँ पे ऑलरेडी बुक्ड है, हेयर कट लेंगे एक बढ़िया सा, थोड़े मस्त बाल करा लेंगे, देख रहे हो कैसे झबरे से बाल हो रहे हैं, इनको सेट करा लेंगे और बीएड को भी सेट करा लेंगे और डी टैन करा लेंगे, बिकॉज मैं सही बता रहा हूँ अभी ना 3-4 दिनों से ना मैंने ऐसी की तैसी कर दी भाई अपनी स्किन के साथ। ऐसा कुछ नहीं होता कि सिर्फ लड़कियों को ध्यान रखना चाहिए भाई अपनी स्किन वगैरह का, भाई सारे लड़कों को भी रखना चाहिए, मैं तो जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं तो काफी ज्यादा अपनी स्किन को लेकर कॉन्शियस हूँ, तभी तुम लोग मेरी तारीफ भी करते हो कॉमेंट सेक्शन में कि सौरभ भाई अच्छे लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, तो क्यों लग रहे हो, क्योंकि भाई ध्यान रखते, तुम भी ध्यान रखा करो, तुम भी बढ़िया लगोगे, चमकोगे। फिलहाल तो ये सीट हो रही गंदी, इसको करना है साफ, पर इसको पहले हटाते हैं अपन, ठीक है चलो। ओए ओ हीरो चलो बाहर हटो, भागो भाग गया, चला गया, जाने दो बस सही है। थोड़ी देर कोल्ड स्टार्ट होने देते हैं, काफी टाइम से इसको चालू ही नहीं करी है और घर में भी किसी ने नहीं करी होगी मुझे पता ही है, तो थोड़ी देर तो इसको चालू रहने देते हैं। और ये भाई मेरा पर्सनल टॉवल है, अपना जो पर्सनल टॉवल होता है उसमें मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ, शॉप के टॉवल्स क्या होते हैं गाइस बार बार यूज होते रहते हैं, तो समझ रहा हूँ ना। चलो सजन रे पास तो आना ना, कभी मुझे पट्टी चढ़ना चालू हो गई चेहरे के ऊपर, कौन सी है ओजोन पट्टी, ओजोन पट्टी एशियन पट्टी कर दी भाई, ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड नहीं है, झूठ बोल रहा है। छोड़ के जाना ओ मेरे तू आशिक रहना, आशिक रहना ओ सजन रे पास तो आ। तो गाइस डी टैन वगैरह करा लिया, बाल भी सेट, दाढ़ी भी सेट, अब बस घर चल रहे हैं। ये देखो भाई पूरी बारिश हो रही है, कल से ही पता नहीं मौसम क्यों बिगड़ रहा है, हवा ही बहुत तेज आ रही है और पानी भी पता नहीं बेमौसम बरसात आ रही है। मेरा घर तो खैर पास नहीं है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस पहुंच ही गया घर के पास। ये आ गया गाइस पूरा सामान। तो ना अभी सीन ये है कि मैं और मम्मा और मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं, अभी हम लोग साथ में जा रहे हैं गांव मम्मा को ड्रॉप करने के लिए, बिकॉज मैंने बताया ना मेरी सिस्टर की शादी है, यानी कि मेरे मामा जी की लड़की की शादी है, तो मम्मा को तो हम लोग अभी से छोड़ के आ रहे हैं, बाकी हम लोग तो कल परसों मम्मा पहुंच जाएंगे, बाकी मम्मा को जल्दी पहुंचना पड़ेगा, तो उस वजह से मम्मा को हम लोग अभी ड्रॉप करने चल रहे हैं गाँव पे। फ्रेंड्स को ही मैंने बुला लिया ताकि जो है वापस मुझे आना ही आज के, तो मस्त डिनर करते हुए वहीं से साथ साथ हम लोग वापस भोपाल आ जाएंगे। हम लोग वही घर से निकल गए, गाड़ी में इतना लगेज है ऊपर से
कजन्स का लगेज भी लेके जाना है। एडजस्ट करते हैं समाओ, पीछे देखते हैं जगह थोड़ी बहुत तो है, फिट हो गया तो ठीक है, बिकॉज पीछे वाली सीट पे तो भाई मेरे चार दोस्त बैठे हैं तो बिल्कुल जगह नहीं है। आगे मम्मा बैठी हैं, कहाँ रखेंगे, लेट्स सी, कहीं एडजस्ट करते हैं। चलो जा रहे हैं ना, बाय, कल आता हूँ। मम्मा को ड्रॉप कर दिया, अब अपन बढ़िया व्लॉग करेंगे। रिसेंटली अपन ने गप्पी भाई को भी यहाँ का फूड खिलवाया था और उसने भी ओके रिपोर्ट दी थी। वेल आज ना सारे भाइयों को मैं यहाँ टेस्ट करवाऊंगा। रही भाई दिखने में कैसा है? अच्छा लग रहा है भाई, दिखने में तो अभी ओके ओके ना। अभी भाई मसाला पापड़ आया था वो तो पूरा साफ कर दिया हम लोगों ने। अरे अभी ये वाला ही बैठ गया, ये वाला नहीं। अरे आप तो मारते सी, ये तो भाई ये आते हैं भाई ब्लॉग में, याला पार्ट मत डालना, मत डालना। रवि भाई ऐसा रहता है यहाँ का जो पनीर वगैरह है ना कि मतलब इन लोग की खुद की डेयरी रहती है तो ये आपको वो कमर्शियल पनीर जैसा नहीं लगेगा। ओह माय गॉड। प्याज के ऊपर ना हमेशा से नींबू डाल लिया करो। गाइस ये है अपनी पनीर भुर्जी, ये है भाई सेव टमाटर दाल। रवि भाई टेस्ट सही लगा? ऋषभ भाई आपको भी सही लगा? पक्का पीयूष भाई पनीर स्पेशली बताओ, पनीर मेरा फेवरेट है, मतलब जब भी मैं आता हूँ ना ये वाली चीज हमेशा फ्रेश है ना एकदम। यार खाना वाना तो हो गया, मैंने रात में लस्सी पी रहा हूँ तो ये लोग कह रहे हैं कि तुझे क्या हो गया है भाई, रात में लस्सी नहीं पी सकते क्या? वैसे तो पी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब भोपाल के लिए ना निकल रहे हैं यहाँ से, रात के ऑलमोस्ट कितना 2:30 बज गया है क्या, 3 बज गया है गाइस, 3 बज गया है और इन सबको घर जाना है। वैसे तो ये लोग ना भाई नाइट राइडर्स हैं, रात भर घूमते हैं, पर आज इन सबको पता नहीं क्यों जल्दी जाने की पड़ी हुई है तो जल्दी जाना पड़ेगा इनके लिए भोपाल। A few inches later, कांड हो गया रोड पे भाई, एक आदमी ना ठेर हो गया है भाई, लेट गया है वो, देखो गाड़ियां भी रुक गई इस चक्कर में। रोक दो भाई उसको, वो ऐसे मत टच करना, रुक जाओ भाई। ओ भैंस का देखो भाई, ओ भैंस की टांग। नहीं नहीं एक्सीडेंट नहीं हुआ है भाई, नशे में भैया। ओ बड़े भाई अरे भैया भाई गाड़ी ऑन पे, पीयूष भाई चाबी ऑन पे लगी हुई, बहुत तेज नशे होगा, गाड़ी लगाओ भाई, हाथ की अभी आगे हम। हाँ भाई डिवाइडर के यहाँ कर दो, पता है यहाँ रख दो, पता है सही में यहाँ रख दो, कोई ट्रक वाला मार देगा। अरे उनको चक्कर आ रहे, कुछ नहीं हाथ से पकड़ के इधर कर देते हैं भाई, रोड के किनारे मत करो, गाड़ियाँ ओवरटेक करती यार, इधर कर देते हैं, ढाबे वाले को बता देंगे भाई। यहीं सुलाओ, मैं भी वही कह रहा हूँ, यहाँ कर दो लाइट में भाई, इतना बड़ा डिवाइडर कहीं नहीं जाएगा, यहीं रख दो। एक जन हाथ से पकड़ लो, हाथ से पकड़ लो, एक जन हाथ से उधर पकड़ो, मैं टांग पकड़ूंगा भैया। अबे उठा के, अरे वो बेहोश है भाई, वो बेहोश है भैया, उड़ गए, उड़ गए भाई, उड़ गए। आपको गाड़ी की चाबी लो, रोड पे डले हो आप, जल्दी उठो, ट्रक आ रहा है, ट्रक आ रहा है, इधर आ जाओ उठ के, यहाँ बैठ जाओ मेरे भाई, हाथ को हाथ से खींचा तो उठे। इनकी चाबी क्या, चाबी घर में उठे, घर में उठे, ये रखो पैंट में रखो, घर नहीं है भैया, देख लो भाई वो खड़ी उधर भाई, सुनो आधे घंटे सो कैसे गए यार रोड पे, बैठ जाओ थोड़ी देर। कहाँ जा रहे थे भैया, क्यों कहाँ रहते हो, कहाँ जा रहे थे, मिसरोद रहते हो भैया, ये वाला हमको भी, तो मिसरोद से यहाँ कहाँ जा रहे थे, काम से जा रहे थे, अच्छा घर जा रहे थे, मिसरोद जा रहे थे भैया, मैं क्या करूँगा, थोड़ी देर आप ये वाले ढाबे पे लेट जाओ, थोड़ी देर मुंह धोवाओ, अच्छा लगे तो ही जाना, वो ट्रक वरक आ रहा था, हमारी गाड़ी लगा के हम लोग आए, थोड़ी देर आराम कर लो, उसने किया है, उसने किया है, ये आशिक बन आ रहा है उनको, कह रहे भाई उसने क्या किया है, भैया उसने क्या किया था, ऐसा नहीं कि अगली बार कोई आए तो हमें वहाँ मिलो, हाँ ना इधर ना उधर, हम तो डर गए। अरे नहीं भाई ऊपर क्यों जाना है यार, ऊपर क्यों जाना है, घर जाओ है ना, चलो भैया ध्यान रखो, गाड़ियाँ आ रही हैं भाई, चलो क्या बोल रहे, उसने भैया उसने क्या किया है बताओ, इनको उसके रिलेशनशिप के बारे में जानने की पता नहीं क्या क्या दिलचस्पी हो रही है, दूसरों के रिलेशनशिप को क्यों जानने, वो पता कैसे लेटा था, वो क्या बोलता, अरे तो नशे में भाई, वो उसने कोई कर्री पी है क्या, भाई वो लाश में जान आ जाती है, एकदम लाश में जान आ जाती है, वैसे उठा भाई वो, अरे मेरी बीवी का मेरा घर, मैं तो बिस्तर पर सो रहा हूं भाई, अरे भाई मेरा जाकर आ गया, दोस्ती करने वो भाई आ गया, वो दोस्ती करने आ रहा है, जल्दी बैठे, अरे जल्दी बैठो, हल्की सी ये देखो गाइस और पी रहा है वो खड़ा होके, देखो अबे गलत आदमी को बचा लो भाई, ये मरने ही आया है, पेट्रोल तो नहीं पी रहा, अरे क्या करना, क्यों पी क्या रहा है,
बियर है ये, बैठ के पी लो, यहाँ का पियो यार। नहीं मेरे भाई, आप रखो आप रखो आप रखो, चलो भाई आराम से मरो, नहीं आते तो मर ही जाते भाई, पागल आदमी है, छोड़ो अब ना भाई, फटाफट भोपाल गाड़ी लगा देते हैं। ये देखो भाई टाइम ना ऑलमोस्ट रात के 4 बजने वाले, 3:30 से ज्यादा हो गया, सबको घर जाना है भाई, नींद आ रही है, तो 4 बजे से पहले भोपाल पहुंचना है। ऑलमोस्ट बस 20-25 किलोमीटर होगा, तो फटाफट पहुंचा देते हैं ना। तो गाइस घर तो पहुंच गए, वो लोग भी बस वहां से जा रहे हैं, उनकी गाड़ी वहां पार्क थी। ये जो कांड हुआ ना अभी गाइस, अब अनएक्सपेक्टेड था, लिटरली बता रहा हूँ, इतना ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। रास्ते में जाते जाते ऐसा भी कुछ देखने को मिलेगा, हंसी मजाक एक तरफ, वो तो भाई जब वो उड़ गया ना वो बंदा, पर भाई ऑन जेन्युइन नोट, जब कभी रोड पे ऐसा दिख जाए, आप अकेले ना हो, आप थोड़े ग्रुप में हो, और थोड़ा जो लोकेशन है वो थोड़ा सही हो। देखो अगर सामने ढाबा नहीं होता और थोड़े लोग बाग वहां नहीं होते ना, तो हम लोग भी नहीं रुकते, क्योंकि ऐसे में ना लूटवाद के केसेस ज्यादा हो जाते हैं, कि आपको बेवकूफ बनाया जाता है और ऐसे में आपको लूट लिया जाता है, ठग लिया जाता है। इस टाइप के काफी केसेस होते रहते हैं आए दिन, कभी भी ऐसा हाईवे पे या कहीं भी अपने आप लोग देखो, साथ में अगर आपके अच्छे खासे लोग हों तो ही ऐसा कुछ करना, किसी की हेल्प, अकेले हो तो भाई देखो मत करना, मैं तो यही कहूंगा मत करना, कॉल करके पुलिस एम्बुलेंस इनको इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। तो चलो गाइस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म, मिलेंगे बहुत जल्दी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, स्टे हाइड्रेटेड, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, मिलता हूं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, और आपको सब बताता हूं क्या हो गया, मेरी जान खा गई, तुम लोग डेली ब्लॉग्स नहीं आ रहे, सौरभ भाई डेली ब्लॉग्स नहीं आ रहे, सारे आएंगे, डोंट वरी, वो लोग भी जा रहे गाइस, बाय बाय, थोड़ा सा टाइम दो, नेक्स्ट वाले ब्लॉग में तुम लोग को सब बताता हूं एग्जैक्टली क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, बस यार बताता हूं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, ठीक है, चलो बाय बाय। सजना जब पास ना आए, ओ दिल पे लात लगाए।